शुक्रवार को जिला क्षय रोग केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ऐसे मरीज जो क्षय रोग से पीड़ित हैं और इलाज से वंचित हैं, उन्हें खोजकर उनका उचित इलाज किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं जैसे क्षय रोग का मुफ्त जाँच, मुफ्त इलाज, निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत दी जा रही सहायता राशि के आदि के बारे में लोगों को बताया जाए, साथ ही साथ क्षय रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इस अवसर पर कार्यशाला को विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम समन्वयक धर्मवीर प्रताप सिंह, पीपीएम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ए एन मिश्रा, मिर्जा आफ्ताब बेग, गोविंद कुमार सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, उसके साथ अन्य सपोर्टिव दवाइयाँ भी चलेंगी। 6 महीने का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद बीडाक्लिन बंद कर दिया जाएगा। अन्य जो दवाइयाँ चल रही हैं, जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, इंडिया पेंट का ही मिलने वाला है। इसमें सबकी संवादता की जरूरत है, हर आदमी को इंटरेस्ट देने की जरूरत है, तभी जाकर इसका हम उन्मूलन कर सकते हैं 2025 का, नहीं अदरवाइज मुश्किल। और इकट्ठे सब स्लाइड बनाए हैं, उसको भी दिखाएंगे कितना कितना महीना जांच में केस निकले हैं, इस समय क्या है और आगे क्या रहने की है। कंट्रोल के लिए इलाज के लिए प्रोग्राम चलाए जाते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से जब हमारा डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ बना, उसमें फिर उस दौरान बड़े बड़े सैनिटोरियम्स हुआ करते थे, जहां टीबी पेशेंट्स को आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट सैनिटोरियम में कराया जाता था। जब वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते थे, उसके बाद उन्हें वहाँ से छुट्टी की जाती थी। कोई भी ट्रीटमेंट डायग्नोज होता था, कोई भी बीमारी डायग्नोज होती थी, उसका ट्रीटमेंट हमारे पास और भी ज़्यादा सारे थे, जो हम आगे लाइफ से बता रहे हैं। दवाइयों की प्रक्रिया की बात करें तो यूपी सबसे ज़्यादा पता करते हैं कि टीबी से संभावित लक्षण के कौन से लोग हैं, फिर उनकी जांच करते हैं, जांच करके अगर उनमें टीबी निकलती है तो हम तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू करा देते हैं, जिससे कि वो और उसका ना फैले और वो भी ठीक हो जाए। हम ये अभियान चलाते हैं और ये अभियान उन पॉकेट्स में चलाते हैं जहाँ से हमें ये फीडबैक मिला है, उन इलाकों को डॉक्टर ने अपने जिसमें करीब 4,80,000 के ये ACF का प्रोग्राम है, एक्टिव केस फाइंडिंग, ट्यूबरकुलोसिस मरीजों की सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी 200 से ज़्यादा टीमें काम कर रही हैं। ये पूरे पॉपुलेशन के 10% पॉपुलेशन को, और वो भी ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे टीबी के बीमार या टीबी के मरीज़ ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जिसका हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है, उस एरिया में डोर टू डोर जाके इसका खोज किया जा रहा है कि किसको लंबे समय से बुखार आ रहा है, किसको लंबे समय से खांसी आ रही है, खांसी में खून आ रहा है, उनकी हम टेस्टिंग करके सीवीनेट मशीन द्वारा इमीडिएट ये जांच करके जान लेते हैं कि उसको टीबी के इलाज देना है कि नहीं देना है। और इस अभियान में लोगों को ये भी बताया जाता है कि टीबी के रोग को छुपाना नहीं चाहिए, और ये 100% क्योरेबल बीमारी है,
थोड़ा सा इलाज लिया छोड़ दिया, इलाज लिया छोड़ दिया, तो फिर वो लाइलाज जैसी हो जाती है, फिर उसमें बहुत सारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। ये सब जानकारी जनता को दी जाती है और पिछला हमारा अभियान भी काफ़ी सफल था जिसमें हम लोगों ने 150 के करीब पॉजिटिव केसेस ढूंढे थे और उन सबका इलाज चल रहा है। अब 18 से 28 के बीच में इस अभियान में जो केसेस पॉजिटिव मिलेंगे उनका भी इलाज चलाया जाएगा और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि लोगों में इस बात की जागरूकता हो रही है कि अब जांच की एक सीवीनेट मशीन आ गई है जिससे कई बार जांच कराना, दौड़ना भागना ये कम हो गया है। 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है, वो भी निःशुल्क है, सारा इलाज निःशुल्क है और समस्त दवाइयाँ हमारे डॉट सेंटर्स से, TVC से फ्री मिलती।